सोशल मीडिया में, जैसे कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा जो प्लेटफॉर्म चला रहे, जो चला रहे, मैंने ये नहीं देखा अभी तक कि उससे बच्चे पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। उनको सिर्फ अपना बिजनेस करना है, ठीक है, मेरे लाख लाख फॉलोअर्स हो रहे हैं, चाहे किस बेसिस पे करो, चाहे अधनंगा नाच हो, चाहे कुछ अपशब्द का प्रयोग करो, उसमें आपके बहुत सारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उससे उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके बारे में नहीं सोचते। मेरे पास, मैं अर्न कर रहा हूं, आई एम अर्निंग, दैट इज सफिशियंट, ठीक है। और अच्छे काम करने के लिए कई बार कलेजा चाहिए होता है, जैसे कि अभी है कि खान सर ने क्या कहा कि हमको पता भी नहीं चला और भारतीय महिलाओं को अंग्रेजों ने फटे जींस पहना दिया, कल्चर में वार करके चले गए। अभी कुछ लाइक्स के लिए शादीशुदा महिलाएं जो भारतीय संस्कृति में ओसो कहते हैं कि भारत परंपरा में साड़ी पहनने इसलिए शुरुआत की गई कि कोई भी चीज जब ढका हुआ होता है तो उसमें आकर्षण होता है। जब चीजें बाहर आ जाती है ना, जब तक कि कोई एक्टर आ रहा है या फिर कोई एक्ट्रेस की एंट्री होने वाली, तब तक लोग देखते हैं बहुत गौर से, एंट्री हो जाती है तो उनका कौतूहल कम हो जाता है। तो इसीलिए भारतीय परंपरा ओसो के अनुसार साड़ी पहनने की परंपरा, वो साड़ी बहुत सुंदर, बहुत अच्छी ड्रेस है, ठीक है। शादीशुदा महिलाएं जिनके दो दो बच्चे हैं, सोशल मीडिया में 4 लाइक्स के लिए इस तरह से अभद्र नाच करते हैं, तो क्या आप, वो मैं नहीं कमेंट कर रहा हूं, आपके अनुसार नहीं है गलत, आप मत मानिए, लेकिन क्या उसमें जो 16-17 साल की लड़कियां हैं, ठीक है, जो पायलट बनना चाहती है, टीचर बनना चाहती है, मिनिस्टर बनना चाहती है, इसके देखने से क्या हुआ? क्योंकि जो मिनिस्टर बनना चाहता है, पायलट बनना चाहता, हो सकता है सोशल मीडिया में उसको उतने लाइक्स ना मिले जितने की अभद्र नाच को मिले, तो क्या उस पर आप नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं? ठीक है, तो एक अच्छे इंसान होने के नाते सिर्फ ये कर्तव्य नहीं होता है कि लाइक्स बटोरिए, ठीक है, आपके काम से सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और आप अगले जनरेशन को क्या दे रहे हैं, इस बारे में जरूर विचार करिए, क्योंकि अगला कैटेगरी, अगली बारी आपके बच्चे पे भी आ सकती है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ सरकार और देश मिलाकर नहीं बनता है, सरकार पुलिस या फिर प्रशासन मिलाकर देश नहीं बनता है, हम सबकी, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोग के, सोसाइटी के सभी, एक एक चीज मिलाकर एक देश और एक समाज बनता है, ठीक है। तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी होती है, मर्यादा को क्रॉस ना करें, ठीक है, वैसी चीजें ना करें जिससे बच्चों पे गलत इम्पैक्ट बनता है। ये इसलिए कह रहा हूं कि कुछ सीनियर गार्जियन से मैंने बात किया तो उन्होंने इस बात को चिंता जाहिर की कि इस तरह से बच्चे गलत हरकत कर रहे हैं। आई होप वीडियो का मार्म समझा पाया हूं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।